पुण्यात्मा हम कोई भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसका उद्देश्य यही होता है कि आत्मा का कल्याण हो। और फिर हमारे संसारिक जीवन में, हमारे संसार के अंदर संसारिक कार्य, इस मनुष्य जीवन में जो हमारे ऊपर आने वाली आपदाएं हैं वो भी टले, क्योंकि यहाँ आपदाओं पर आपदाएं आएंगी तो हम भक्ति नहीं कर सकते, आत्म कल्याण नहीं करवा सकते। फिर हमने ये सेलेक्ट करना है, ये चुनना पड़ेगा कि वो कौन प्रभु है जो हमारे प्रारब्ध में, हमारे प्रारब्ध में, किस्मत में लिखे हुए संकटों को समाप्त कर सके, नाश कर सके, अक्षमा कर सके। अब कष्ट संकट किस लिए आते हैं, दुख किस लिए आता है और सुख किस कारण से होता है? सर्वविदित है कि सुख पुण्य से होता है और दुख पाप से होता है। तो पुण्यात्माओं, जो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कष्ट हैं, दुख किए हुए पाप हैं, उनके कारण हम संकटों से घिर जाते हैं। और ये हमें मालूम है कि भगवान संकट मोचन है। उस संकट मोचन से हम फिर अपने संकटों के निवारण के लिए चेष्टा करते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि परमात्मा का मार्ग, हमारे संकटों का मोचन जो है, संतों द्वारा ही होता है, ईश्वरीय शक्ति से। इसलिए हम संतों की तलाश में फिर चलते हैं। और कुछ दंत कथाएं सुनी होती हैं, कोई मंदिर जाता है, कहते हैं उस मंदिर में जाने से संकट निवारण होता है, कोई किसी मजार पर जाता है, किसी पीर की मंडी पर जाता है कि वहां जाने से संकट निवारण होते हैं, कोई किसी तालाब जोहड़ में या दरिया में स्नान करने जाता है कि उसमें स्नान करने से संकट मोचन होता है, कष्ट निवारण होते हैं। इन सभी श्रुतियों से, इन सब सुनी सुनाई बातों से हम अपने संकट के निवारण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमें मालूम है कि परमात्मा हमारे दुखों का निवारण करता है। उस उद्देश्य से हम घर से निकलते हैं, जिसको जैसा भी ज्ञान होता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में, कोई गुरुद्वारे में, कोई चर्च में, कोई किसी तीर्थ धाम पर जाता है, कोई किसी तालाब पर स्नानार्थ जाता है, और कोई संतों के पास जाता है। वहां जाने के बाद फिर भी वो सुखी नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है? सबसे पहले हमने ये जानना होगा, जिस संत के पास आप जाते हो वो आपको कोई ना कोई जंतर मंतर भक्ति साधना का अवश्य बताता है कि आप ऐसे करो, आपका कष्ट निवारण हो जाएगा। तो जो दुखी है, जैसे कोई रोगी वैद्य के पास जाता है, वैद्य उसको जो दवाई देता है, औषधि देता है, वो उसको खाता है और बताया अनुसार सारा सारी परहेज रखता है, और फिर भी उसको आराम नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ठीक नहीं, वो दवाई सही नहीं लगी तेरी, वो डॉक्टर ठीक नहीं, वो वैद्य ठीक नहीं, उसको ज्ञान नहीं है, तो आपकी बीमारी से, रोग से परिचित नहीं है। तो क्या करना, क्या करते हैं? फिर दूसरे वैद्य के पास जाते हैं, फिर तीसरे के पास जाते हैं। जब तक रोग नहीं कटेगा तब तक आप चैन से बैठ नहीं सकते, और न ही बैठना चाहिए। अब कुछ पुण्यात्माएं संतों के पास चले गए,
किसी को 2 वर्ष हो गए, किसी को 10 वर्ष, किसी को 20 वर्ष, आपत्तियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। कुछ पुण्यात्मा केवल परमात्मा प्राप्ति यानी अपना आत्म कल्याण समझ कर वहाँ गए उन संतों के पास कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, ये भी उनको ज्ञान हुआ कि गुरु अवश्य होना चाहिए, गुरु बिन भक्ति भी नहीं बन सकती, ये भी तथ्य है, सत्य है। लेकिन गुरु पूरा हो अधूरे गुरुओं से, नीम हकीम वैद्यों से स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो सकता, रोग कट नहीं सकता। इसलिए हम जो पुण्य आत्मा थी वो इन संतों के पास पहुंच गए, लाखों और करोड़ों की संख्या में वहां जन समूह एकत्रित हो गया। अब वहां उनको लाभ नहीं हो रहा, जैसे जब तक जीव के पुण्य पूर्व जन्म के पुण्य चलते हैं तब तक वो किसी भी साधना को कर रहा है, किसी भी संत के पास वो गया हुआ है, उसके पूर्व जन्म के पुण्यों से अच्छा लाभ मिल रहा है, वो सुखी है। जैसे किसी का अच्छा कारोबार चल रहा है, गर्म संतान बेटा बेटी हो गए, फिर उनकी पढ़ाई अच्छी होगी, उनको अच्छी नौकरियां मिल गई, अच्छे स्थानों पर उनका विवाह संस्कार हो गया, तो वो भक्त उन संतों के पास था तो उसने ये सोचा कि जो गुरुजी ने मुझे मंत्र दे रखा है इससे मुझे लाभ हुआ। और उसी गुरुजी के पास ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दुखी गए थे और उससे भी और दुखी हो गए, वही साधना वही भक्ति वो कर रहे हैं, क्योंकि उन जिनके सर्व सुख थे, सब कार्य ठीक हुए, उनके पूर्व जन्म के पुण्य उनके साथ थे, और जिनको लाभ पहले ही नहीं था वो और भी चले गए, वहाँ जाने के बाद और भी दुखी हो गए, तो उनका पुण्य पूर्व जन्म का नहीं था, पाप उन्हें भोगने ही पड़ रहे हैं। तो फिर वो संत उनको क्या कहते हैं जो दुखी थे और सुख नहीं हुआ, उनको कहते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है ये तो भाई भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो, आगे वाले जीवन में तुम सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उसे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके, और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया हो और कोई किसी के पास जाकर कहता है कि मेरे पैर में पीड़ा है, उसने बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, गहरा चला गया है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण से तुझे पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि तेरा कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आने वाले आगे तुझे कांटा नहीं लगेगा, फिर से कांटा नहीं लगेगा, जूते पहनो। पुण्यात्मा, जब तक कांटा नहीं निकलेगा तब तक जूता पहना नहीं जा सकता, उसका कांटा लगे पैर में, उसका प्रॉपर जो है समाधान क्या है कि पहले कांटा निकले और फिर वो जूता दिया जाए कि आगे जूता मत निकालना, नहीं कांटा फिर लग जाएगा, फिर वो इस डर से जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत पीड़ित हो चुका है। ऐसी जो पुण्यात्माएं यहां दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये परमेश्वर कबीर जी का हॉस्पिटल है, दास यहां उन्होंने एक वैद्य डॉक्टर बना रखे हैं, आत्मा का उपचार करने वाला। तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा, उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा, फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने में,
और फिर आपको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ही संकट तेरे ऊपर फिर आ जाएगा, फिर आप कभी पाप नहीं कर सकते क्योंकि आप पाप के कष्ट से परिचित हो चुके हो। फिर ये राम नाम का जूता आप कभी नहीं निकालोगे, यानी भक्ति का परमात्मा के नाम को खंडित नहीं करोगे। कुछ प्राणी सुखी हैं और वो भी यहाँ आते हैं, उनको केवल आत्म कल्याण का ही उद्देश्य रखते हुए वो यहाँ आते हैं, उनको आत्म कल्याण का ही उद्देश्य होता है, उनको भी उपदेश दिया जाता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छी पुण्यात्मा होगी तो मार्ग पर ठीक लग जाती है, नहीं तो कुछ, क्योंकि वो पहले सुखी है, फिर परमात्मा के चरणों में आने से उसको और सुख मिलता है, पुण्य पाप नाश हो जाते हैं, तो वो संकटों से परिचित नहीं होता। कुछ दिनों के बाद सत्संग में आना कुछ कम हो जाएगा और फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उसका मेल मिलाप हो जाएगा, वो फिर भक्ति छोड़ देता है, वो चला जाता है। परमात्मा कहते हैं इतना सुख भी ना दे भगवान। कबीर भगवान जी अपनी अमृतवाणी में, अपनी मुख से उच्चारित उस अमरवाणी में अपने ही ऊपर वाणी बोलकर हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि कबीर, सुख के माथे सिला पड़ो जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं हे भगवान, इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा कष्ट हमारे ऊपर रखना प्रभु तेरी याद बनी रहे, बलिहारी हूँ उस दुख के जो भगवान याद दिवावे। तो पुण्यात्माओं, जो अच्छी आत्माएं थी, जो पिछले संस्कार से जिनके पास पुण्य थे, वो भी परमात्मा की तलाश में उन संतों के पास चले गए जो नकली साधना बताते हैं, और उनका सिद्धांत यही है कि किए हुए कर्म का भोग तो जीव को भोगना ही पड़ता है, भाग्य में परिवर्तन नहीं हो सकता। जब हम दुखी हैं और परमात्मा के साधना से पाप नाश नहीं होते, संकट निवारण नहीं होते, तो भक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुखी दुखी रहेगा, सुखी सुखी ही रहेगा, तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। इस कारण से उन नकली संतों और मनमुखी अपने सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार पर इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और चर्चों मंदिरों मड़ियों में मजारों पर तीर्थों पर स्नानार्थ या भक्तियारथ जाने से लाभ कोई हुआ नहीं, भक्त जन नास्तिक होगे। अब इतने नास्तिक हो गए कि भगवान की तरफ उनकी रुचि भी नहीं बनती, और संकट निवारण के लिए उन्होंने कौन सा प्रोसीजर अपना लिया, धनी बनने के लिए तो चोरी ठगी मिलावट रिश्वत शुरू कर दी, और संकट बुलाने के लिए गुटी सुट्टी शुरू कर दी, शराब पीनी या सुल्फा पीना या नशे की गोलियां खानी शुरू कर दी। तो उन अपराधी संतों के द्वारा समाज में कितना विष घोल दिया गया जो परमात्मा से परिचित नहीं और संत पद पर विराजमान है, वो अपराधी प्राणी है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन को बर्बाद करवा रहे हैं। मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, कोई भी कीमत नहीं, इतना अनमोल है, और जो ऐसे अनमोल धन को व्यर्थ करता है वो कितना पापी होगा, कितना दोषी होगा, ये तो परमात्मा आगे अकाउंट लेगा, उसका लेखा लेगा, वहां पता चलेगा उस नकली गुरु को। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, और किसी व्यक्ति ने अपने घर जाना है और किसी से वो मार्ग पूछ रहा है, और उस नालायक ने उसको उसके अपने घर के विपरीत दिशा बता दी, उसके घर के विपरीत मार्ग बता दिया, उसने विश्वास किया यात्री ने उस नालायक की बातों पर और दूसरी दिशा पकड़ कर उधर को चल दिया,
तो कितना पाप लगा उसको, सारा दिन व्यर्थ हुआ, उल्टी दिशा में सफर किया। ऐसे ही ये जो मार्गदर्शक संत हैं, जो वेदों और गीता जी तथा सद ग्रंथों से परिचित नहीं और संत बन बैठे, ये पिछले जन्म के पुनकर्मी प्राणी थे। ये जो संत पद पर हैं, गुरु पद पर हैं, ये कौन थे? ये भक्ति की चाह में घर से निकले, आत्म कल्याण के लिए घर से निकले, आगे इनको नकली संत मिल गए, वो नकली गुरु मिल गए। उन नकली गुरुओं में, क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उन गुरुओं के साथ उनका एक नेक नाता भी बन गया और उनकी पिछले पुण्य कर्मों के कारण उनका स्वभाव भी अच्छा, उनकी लगन भी अच्छी, देख करके किसी को तो उत्तराधिकारी बना दिया, किसी को प्रचारक बना दिया उस अज्ञान का। वो भोली आत्मा फिर आगे दुनिया को गुमराह करने लग गए, अपना कल्याण तो भूल गए, औरों का कल्याण में लग गए, जबकि स्वयं ज्ञान नहीं। और पूरी पृथ्वी पर अब यही व्यवस्था बनी हुई है, किसी भी संत के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, और सभी गुरु बने हुए हैं। गुरु का अर्थ होता मार्गदर्शक, यथार्थ ज्ञान देने वाले। तो पुण्यात्माओं, वो महादोषी हैं और आप जी का जीवन बर्बाद हो रहा है। अब वहाँ जो 10, 15, 20 वर्ष से लगे हुए थे उन संतों, नकली संतों के पास, उनकी पुण्य कमाई जो थी वो समाप्त हुई, अब उनकी दुर्गति शुरू होगी। उन पंथों में दुखी हुए प्राणी अब यहाँ आ रहे हैं, अपनी गाथा बता रहे हैं कि मेरे पास सब सुख था, अच्छा व्यवसाय था, खूब दान करते थे, वहाँ सेवा भी करते थे, महीने में जाते थे, हफ्ते में जाते थे, और सब कुछ लुट गया। मानसिक परेशानी होगी, घर में भी कष्ट, भूत बोलने लग गए, ओ तेरा गजब। अब पुण्यात्माओं, वो अच्छा समय उन नालायक संतों ने बर्बाद करवा दिया। पहले तो जो उनको सुख था 10, 5, 20 वर्ष, तो इसलिए रुके रहे कि हमारे घर में सुख हो रहा है, और वो हो रहा था उनके पिछले पुण्य से। जब वो पुण्य खत्म हो गए तो पाप का दौर शुरू हुआ। पाप का दौर शुरू हुआ तो उन संतों के पास समाधान नहीं कि वो प्रारब्ध में यानी किस्मत में आए संकट को वो निवारण करते। अब फिर वो उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत सुनकर के कर्म तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए फिर कुछ दिन वहीं पड़े रहते हैं। कभी यूं कहते हैं, कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ता है, इसलिए कोई बात नहीं, ये भी भोगेंगे। तो पुण्यात्मा, इस काल भगवान ने अपने नकली संत भेज कर, नकली संदेशवाहक दूत भेज करके पूरे रूप से पूर्ण मानव शरीर मानव को अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया और भक्ति से भगवान से कोसों दूर कर दिया। अब इस दास के सामने यही समस्या आ रही है कि सभी संत सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान दे रहे हैं, विपरीत समाधान बता रहे हैं, और इस विषय में केवल एक ही दास है, ये सबको सत्य ज्ञान देता है, शास्त्र अनुकूल साधना बताता है, तो दूसरे संत जन इससे क्षुब्ध होते हैं कि वो हमारी आलोचना करता है। आलोचना करना तो पाप है, लेकिन सत्य कहना पुण्य होता है। कहते हैं सत्य बराबर पुण्य नहीं और झूठ बराबर पाप। जो सत्य कहते हैं उनको बहुत पुण्य होता है, जो झूठी झूठ बोलते हैं, झूठा ज्ञान देते हैं, झूठा मंत्र, रोंग मंत्र देते हैं, उन जैसा पाप नहीं, उनको महापाप है।